हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास में क्लास नंबर 8 लेकर आई हूँ, जिसमें आपका टॉपिक है झारखंड में मुग़ल काल, यानी कि झारखंड में किस प्रकार से मुग़ल काल का प्रभाव रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानने की प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि मुग़ल काल को हमने अलग अलग पार्ट में करके अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके डिस्कस किया, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करना संभव नहीं था, इसलिए हमने अलग अलग पार्ट में छोटी छोटी वीडियो करके प्रोवाइड करने की कोशिश किया। तो आज है आपका पार्ट 3 और ये मुग़ल काल का आज लास्ट पार्ट है। और इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं दो वीडियो को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग से। और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं उन सारी वीडियोस को। तो ये सेशन जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। झारखंड की इतिहास का सेशन चल रहा है अभी। साथ ही अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं झारखंड से रिलेटेड क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड जीके का क्लास देखने को मिले और वो भी हमारी क्लास का लाभ ले सके। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा सेशन है झारखंड में मुग़ल काल, और मुग़ल काल का पार्ट 3 आपका चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, पलामू के चेरो वंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दिया। यानी कि पलामू जिले के पलामू के चेरो वंशी शासक जो थे, कौन ऐसा शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मुगल का जो अधीनता था उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में, आपको सही आंसर बताना है। और सबसे पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद ही हमारे आंसर को सुने, इससे आपका प्रैक्टिस पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑप्शन ए है मैदनी राय, सहबल राय, चून राय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैदनी राय पलामू के चेरो वंशी शासक थे, एक ऐसा शक्तिशाली शासक थे जो कि गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, यानी कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार इन्होंने नहीं किया। तो वो कौन शासक थे? वो थे आपका मैदनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, पलामू विजय के बाद दाऊद खान ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया। यानी जब पलामू में विजय प्राप्त किया दाऊद खान ने, तो दाऊद खान ने पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए है इतिकात खान, शाइस्ता खान, अब्दुल्ला खान, मनकली खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि मनकली खान को दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें पलामू का फौजदार नियुक्त किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊद खान पलामू से पटना लौटते समय पलामू किला का सिंह द्वार अपने साथ लेता गया, यह उसने कहाँ लगवाया। यानी कि दाऊद खान पलामू से जब पटना लौट रहे थे तब उन्होंने पलामू के सिंह द्वार को अपने साथ लेते गया, और उन्होंने कहाँ लगवाया? ऑप्शन ए है पटना, औरंगाबाद, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि दाऊद खान जब पलामू से लौट रहे थे अपने पटना, तब उन्होंने पलामू के सिंह द्वार को अपने साथ लेते गए, और उन्होंने औरंगाबाद में इसकी स्थापना करवाई, इस औरंगाबाद में इन्होंने उस सिंह द्वार को लगवाया, जिस जगह को अभी दाऊद नगर के नाम से जाना जाता है।
औरंगाबाद में दाऊद नगर के नाम से अभी वर्तमान में उस स्थान को जाना जाता है जहां दाऊद खान के द्वारा पलामू के सीन द्वार को लगवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपके चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है यानी सत्य है। ऑप्शन ए है, मेदनी राय पलामू में दाऊद अभियान के दौरान सरगुजा में शरण लिया, यानी कि कह रहा है कि मेदनी राय जो थे चेरोवंशी शासक, पलामू के चेरोवंशी शासक, उन्होंने दाऊद अभियान के दौरान उन्होंने सरगुजा में शरण ले लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, सन 1666 ईस्वी में मनकली खान को तबदला पर मेदनी राय ने शीघ्र ही पलामू को आर्थिक दुर्वस्था को उबार कर समृद्धि के शिखर पर ला दिया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1666 ईस्वी में मनकली खान को तबदला किया गया, तब मेदनी राय ने क्या किया, तुरंत ही वहाँ की आर्थिक स्थिति को उबार कर समृद्धि के शिखर पर ला बिठाया। अगला स्टेटमेंट है सी नंबर, पलामूवासी मेदनी राय के शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, यानी कि पलामूवासी जो थे, पलामू के जो निवासी थे, उन लोगों ने मेदनी राय के शासनकाल को स्वर्ण युग का संज्ञा दिया यानी स्वर्ण युग का नाम दिया। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन डी है, इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका इनमें से सभी कथन सत्य है यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए थे, तीन स्टेटमेंट दिए गए थे, ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी में है आपका, इनमें से सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोरहाट नरेश मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे, यानी कि जिस समय मुगल बादशाह औरंगजेब शासन कर रहे थे उस समय झारखंड में पोरहाट नरेश जो थे वो कौन थे। ऑप्शन ए है, महिपाल सिंह, राजा मान सिंह, रंजीत सिंह, अर्जुन सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका महिपाल सिंह, यानी कि जिस समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे, जिस समय औरंगजेब शासन कर रहे थे, ठीक उसी समय झारखंड में पोरहाट के नरेश थे महिपाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। कुंडा राज्य क्या है, तो कुंडा राज्य है आपका हजारीबाग के क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र का राज्य पड़ता था वो कुंडा राज्य था। तो इस कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी किनके द्वारा। ऑप्शन ए है, राम सिंह, महिपाल सिंह, दलेल सिंह, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि कुंडा राज्य की स्थापना हजारीबाग के क्षेत्र में राम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ राज्य का शासक बना, कब। यहाँ क्वेश्चन में भी क्वेश्चन और छुपा हुआ है, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं और अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ का शासक था, यानी कि 1667 ईस्वी के समय रामगढ़ का शासक कौन था, तो दलेल सिंह था। उसने 1670 ईस्वी में बादम के स्थान पर निम्न में से किसको अपनी राजधानी बनाया, यानी कि किसे अपने उन्होंने राजधानी बनाया, बादम को बदल करके, बादम से हटा करके अपनी राजधानी को उन्होंने चेंज किया, किसने, तो दलेल सिंह ने। ऑप्शन ए है इचाक, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि दलेल सिंह ने सन 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में कितने प्रमुख राज्य क्षेत्र थे, यानी कि जिस समय औरंगजेब शासन कर रहे थे, औरंगजेब जिस समय मुगल काल के शासक बने उस समय हजारीबाग के क्षेत्र में कितने राज्य थे। ऑप्शन ए है 7, 6, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि जिस समय औरंगजेब शासन कर रहे थे, औरंगजेब का शासन चल रहा था, उस समय हजारीबाग क्षेत्र में 5 राज्य थे। अब कौन कौन 5 राज्य थे, तो अभी पिछले क्लास में क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कि एक कुंडा राज्य देखा कि कुंडा राज्य की स्थापना किसने की, तो राम सिंह के द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये कुंडा राज्य जो है हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता था, और वो कौन कौन सा राज्य है वो 5 राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो एक था कुंडा राज्य, रामगढ़ राज्य, केंदी राज्य, 6 राज्य, 6 चंपा होता है, एक था आपका खड़गडीहा राज्य। तो ये 5 राज्य जो था हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता था जिस समय औरंगजेब शासन कर रहे थे, औरंगजेब का शासन काल चल रहा था, उस समय हजारीबाग के क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य थे। कौन कौन सा है, कुंडा, रामगढ़, कैंदी, 6, खड़गडीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक रामसा किस परवर्ती मुगल बादशाह के समकालीन थे। यानी कि छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक जो थे रामसा, वो किनके कौन से मुगल बादशाह के समकालीन थे। ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि बहादुर शाह प्रथम जो थे वो नागवंशी शासक थे जो कि मुगल बादशाह के समकालीन थे। यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के समय झारखंड में नागवंशी शासक रामसा शासन कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन छोटा सेशन था क्योंकि मुगल काल को हमने 3 पार्ट में करके कवर किया, पार्ट 1, पार्ट 2, और आज था आपका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था और वीडियो आज का आपका छोटा ही है, तो आज आपका मुगल काल जो है कंप्लीट हो जाएगा। छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक यदुनाथ शाह किस परवर्ती मुगल बादशाह का समकालीन था। यानी कि जिस समय यदुनाथ शाह नागवंशी शासक थे उस समय वो किनके समकालीन थे, उन यानी कि मुगल बादशाह उस समय कौन थे। ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि मोहम्मद शाह के समकालीन थे झारखंड के नागवंशी शासक यदुनाथ शाह। जिस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे उसी समय झारखंड में नागवंशी शासक आपका यदुनाथ शाह थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये है आज का लास्ट क्लास, आज का क्लास यहीं समाप्त तो होता है। तो कैसा लगा आज का क्लास, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास हमेशा देखने को मिले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं झारखंड का क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड जीके का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।